माय चैनल गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में जैसा कि आप देख रहे हो पॉली कप इंडिया लिमिटेड पे आज की वीडियो है गाइस आप लोगों को पता है कि पॉलिकअप इंडिया के शेयरों में बीस प्रतिशत मतलब ट्वेंटी परसेंट तक की भारी गिरावट आई है मतलब इनकम टैक्स छापे में मिली है कम से कम इनको हजार करोड़ रुपये का मतलब आप कह सकते हो बेसब बिक्री की जानकारी मिली है देखिए मैं डीपली आप लोगों को इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगी कई जैसा कि अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पेवेंटीन पॉइंटी नाइन परसेंट की गिरावट देखने को मिले लेकिन अगर देखा जाए तो मॉर्निंग तक जब स्टॉक ओपन हुआ था इसके अंदर बीस प्रतिशत की गिरावट आ चुकी थी कैसे पॉलिका का शेयर मतलब आज के दिन बीस प्रतिशत की भारी गिरावट आई कंपनी के शेयरों में यह गिरावट इस खबर के बाद आई है कि गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिसंबर में उसकी कई परिसरों और ऑफिसों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था नए साल 2024 की शुरुआत से ही पॉली इंडिया के शेयर दबाव में थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक दिन पहले ही 10 जनवरी को एक बयान जारी कर बताया था कि एक केबल और वायर बनाने वाली कंपनी के ऑफिस में तलाशी की मतलब तलाशी की बात कही है एंड उसके साथ साथ गए उसके मुताबिक देखा जाए तो यह कंपनी जो निकली वो पॉलीकैप इंडिया निकली थी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पॉलीकैप ग्रुप पर छापा मारने के बाद विभाग को करीब हजार करोड़ रुपए का बेहिसाब कैश बिक्री की जानकारी मिली है इससे पहले गए मंगलवार को 9 जनवरी को जब सर्ज ऑपरेशन की रिपोर्ट पहली बार सामने आई थी तब पॉलीकैप के शेयरों में नौ प्रतिशत की गिरावट आई थी नहीं देखिए कंपनी ने उस शाम बाद में एक बयान जारी कर अपनी ओर से किसी भी कथित टैक्स चोरी से इनकार किया था सुबह के टाइम अगर बात करूं मैं आप लोगों से दस बजे के करीब तो स्टॉक में बहुत ज्यादा मतलब सत्रह प्रतिशत की फीसदी गिरावट देखने को मिल रही थी एंड अभी आप देख रहे हो जैसे की बढ़ता जा रहा है अठारह प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है क्या इस पॉली के लिए नए साल की शुरुआत भले ही खराब रही है लेकिन स्टॉक मार्केट के अधिक शेयरों में नेक पॉजिटिविटी कारोबार देखने को मिला है पॉली कैप को कवर करने वाले इकतीस एनालिसिस में सिक्सटी प्रतिशत से अधिक ने स्टॉक पर बाइंग की सिफारिश की है कैस मैप आपको इतना कहूंगी कि अभी देखिए बहुत ही एक क्रिटिकल कंडीशन में ये स्टॉक चल रहा है बीस प्रतिशत की गिरावट भारी गिरावट कहा ही जाती है और इसमें कितने सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके शेयर्स ले रखे होंगे तो उनको कितना दुगना लॉस हो रहा होगा कैस देखा जाए ये जो दिलचस्पी है ना शेयरों में गिरावट के बावजूद अगर आप कह लो कि सेल रेटिंग देने की है या तीन महीने में लगातार घटी है तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक महीने में जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि मोटा मोटी देखा जाए तो तीस प्रतिशत ये स्टॉक टूट चुका है मतलब गए चार हजार का स्टॉक तीस प्रतिशत तक टूट चुका है सिक्स मंथ पे आप देखोगे इसके अंदर तो छह प्रतिशत की ही तेजी देखने को मिली और साल भर में छब्बीस प्रतिशत तक इस मतलब जो साल भी उसके अंदर छब्बीस प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली गैस अब टारगेट प्राइस तो इसका हाँ आप इसका टारगेट प्राइस ऊपर की साइड लेकर चल सकते हो सात हज़ार का पॉली कैप कंपनी है थोड़ा बहुत जिस तरीके से इस अभी इंस्पेक्शन हुआ है एंड इस इसमें जो नेगेटिव न्यूज आई है तो उस चीज़ को कवर भी किया जाएगा भुगतान जो है हज़ार करोड़ का जिस उस पर पे पेनल्टी लगाई जाइए उसको भी ये लोग कहीं ना कहीं पूरा जरूर करेंगे तो ऑल ओवर देखा जाए स्टॉक का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है छह सौ सत्तर दिसंबर दो हजार तेईस को एंड नाउ अब आप देख रहे हो चार हजार पच्चीस रुपए पे ट्रेड कर रहा है कैसे मैं आपको इतना ही कहूंगी कि देखिए न्यूज काफी सारी आती हैं यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत सारी होती है लेकिन आप खुद से चेक करें पहले कंपनी के बारे में कंपनी की साइट पे जाकर जो भी फ्रॉड या जो भी केसेस आते हैं उसको आप स्टडी कर लो कंपनी आप अगर आपको ठीक लगती है कि हाँ अभी हाल फिलहाल में थोड़े टाइम के लिए गिरावट आई है आप इसमें एक्यूमिलेट करके चल सकते हो या और करेक्शन हो तो फ्रेश बाइंग करके चल सकते हो तो वो आप चीजों चीजो को आप सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा अपने नोट डाउन में रखना पड़ेगा बाकी गैस मिलेंगे बाकी गैस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नए है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत बोले गुड बायस थैंक यू